क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट ओनली द लॉ ऑफ द सेंट्रल अट्रैक्शन फॉर विच द वेलोसिटी इन ए सर्कल एट एनी डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी एक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस इज ऑफ द इनवर्स ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपको ये सिद्ध करना है कि केंद्रीय अट्रैक्शन के लिए घन व्युत्क्रमानुपाती ही केवल एक ऐसा नियम है जिसके अधीन वृत्त में किसी भी दूरी पर वेग अनंत से उस दूरी पर या उस दूरी तक गिरने से प्राप्त वेग के बराबर है। ओके, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो दिया है गिवन दैट मेरे पास जो अट्रैक्शन है वो कितना है, कितना दे रखा है भाई, फोर्स जो है मेरे पास, फोर्स या अट्रैक्शन जो भी है, फोर्स इज इक्वल टू है म्यू अपॉन आर की पावर 3। कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इनवर्स ऑफ द क्यूब, ऑफ द इनवर्स ऑफ द क्यूब, क्लियर है ना। आगे देखना चाह रहा हूँ, मान लिया जाए इस फोर्स से जो है कोई पार्टिकल फोर्स के अंडर में, आप ऐसे समझो के अंडर में मेरे पास कोई पार्टिकल इनफाइनाइट से ए दूरी पर गिरता है, ए दूरी पर, ओके, पार्टिकल का वेग, पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी की ही बात कर रहा है, वेलोसिटी में निकालूंगा। मान लिया जाए मेरे पास वी जीरो हो, तो हमारे पास बेटा एक फार्मूला होता है वी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, पार्टिकल चला मेरे पास इन्फिनिटी से और पार्टिकल आया ए तक और होता है एफ इंटू डी आर, क्लियर है ना। यहाँ से सीधा निकलेगा वी जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पार्टिकल आया ए तक, एफ की वैल्यू दे रखी है मेरे को म्यू अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर, कोई आपत्ति। आगे देखता हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या निकला बेटा, सीधा वी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, म्यू तो बाहर आ चुका, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए आर की पावर माइनस की 3 इंटू डी आर, मैंने इसको इंटीग्रेट किया वी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के म्यू, इंटीग्रेट किया आर की पावर माइनस 3 प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस के 1, क्लियर। यानी मेरे पास यहाँ से निकला वी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के म्यू तो ये है और ये हुआ आर की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई माइनस के 2, माइनस से प्लस हो चुका, यानी यहाँ से निकला वी जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, 202 कैंसिल, मेरे पास निकला वी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर चल रहा है ये, और लिमिट है इसकी मेरे पास कितनी, इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए, ओके म्यू। जब मैं लिमिट की बात करूँगा कितना निकलेगा भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, आप भी जानते हो 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0 होता है। यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर, वी जीरो का स्क्वायर निकलेगा कितना, म्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। आगे देख चलता हूँ भाई, अभी तक मेरे पास जो निकला बेटा सीधा वी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर आ चुका। अगेन ध्यान से सुनना, माना या सपोज दैट, देखो आप क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है वेलोसिटी इन ए सर्कल शो दैट ओनली द लॉ ऑफ द सेंट्रल अट्रैक्शन फॉर
अट्रैक्शन फॉर विच द वेलोसिटी इन द सर्कल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, यानी सर्कल के किसी बिंदु पर जो वेलोसिटी है वो अनंत से किसी दूरी तक आने में वेलोसिटी के बराबर है। क्वेश्चन मेरा डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, ओके। और उस पर लगने वाला जो बल है ना, उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन जो है जो जिसको मैं बोल रहा हूँ त्वरण, वो न्यू अपॉन आर की पावर थ्री के है। कहना चाह रहा है कि इनवर्स क्यूब, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओके। माना मैंने क्या मान लिया, माना सर्कल में वेग, सर्कल में वेलोसिटी सपोज दैट वी हो, तो आपको भी पता है कि हमारे पास दो तरह के त्वरण होते हैं, एक रेडियल एक्सीलरेशन होता है, एक नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन से वी स्क्वायर अपॉन ए पार्टिकल का क्या होगा भाई, नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा। बेसिक फार्मूला है आप जानते हो, नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा। सवाल पैदा होता है ए क्या है, जहां ए जो है सर्कल की रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो मेरा नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ये जो वी स्क्वायर अपॉन ए मेरा जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ये किस एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ए दूरी के ऊपर इस एक्सीलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि मेरे को दे रखा है एक्सीलरेशन या फोर्स मेरे को दे दिया हुआ है, एक एक्सीलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है म्यू अपॉन आर की पावर थ्री, ओके। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो एफ है ना, ये बराबर हो जाएगा म्यू अपॉन ए की पावर थ्री, किसके ऊपर, जब आर इज इक्वल टू ए हो, ओके। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। तो एक तो मेरा नॉर्मल एक्सीलरेशन ये है, नॉर्मल एक्सीलरेशन ये है ना, ये एक्सीलरेशन उस पोजिशन में किस एक्सीलरेशन के बराबर होगा, होगा डायरेक्टली म्यू अपॉन ए की पावर थ्री के, एक पावर से पावर कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, म्यू अपॉन ए स्क्वायर। आगे देखता हूँ, अब देखो बेटा म्यू अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी जीरो स्क्वायर। आगे देखता हूँ, वी स्क्वायर कहाँ वैल्यू, वी वेलोसिटी कहाँ थी भाई, ध्यान से देखो आप, वी जो वेलोसिटी थी, वी वेलोसिटी थी किसके अंदर, वी जो है सर्कल के अंदर वेलोसिटी थी, सर्कल में वेलोसिटी, और बराबर हो चुकी वी नोट कहाँ थी वेलोसिटी भाई, वी नोट मैंने आपको कहना चाह रहा था कि अगर इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से ए दूरी पर वेलोसिटी कितनी हो, वी नोट हो, बराबर वेलोसिटी कितनी, इनफाइनाइट से ए दूरी पर वेलोसिटी, क्लियर। क्वेश्चन देखता हूँ क्या कहता है, क्वेश्चन यही कह रहा है बेटा कि शो दैट द लॉ ऑफ द लॉ फॉर द सेंट्रल अट्रैक्शन फॉर विच द वेलोसिटी इन द सर्कल, सर्कल के अंदर वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस ए दूरी पर, जो मैंने ये मान ली, इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत दूरी से गिरते हुए पार्टिकल के बराबर है, और जब वो जो है उसके ऊपर अट्रैक्शन क्यूब इनवर्स क्यूब हो, यानी लगने वाला फोर्स म्यू अपॉन आर की पावर थ्री हो, अर्थात इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, बाय।